हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर्स। आज ही हमारे पास एप्पल का ऑल इन वन मशीन आया है, 2124 इसका मॉडल है। प्रॉब्लम इसमें क्या है हम आपको बता देते हैं। तो हम अब इसमें आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। जब हम इसको ऑन करते हैं, ये मशीन है ऑल इन वन डेस्कटॉप पीसी होता है ये। इसमें आप देखोगे ग्राफिक वगैरह के लिए ये मशीन बहुत अच्छी होती है। आप इसमें सुनोगे ये बीप आती है, इसमें जब ऑन होती है मशीन तो ये बीप करती है। हमारी मशीन ऑन हो जाती है पर डिस्प्ले में कुछ नहीं बनता और वो एक बीप करती रहती है, बस एक साउंड आती है बीप की। इससे आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है? प्रॉब्लम इसमें रैम की भी हो सकती है, रैम की वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है कि भाई हमारी रैम सपोर्ट ना कर रहा हो। रैम की वजह से ये प्रॉब्लम आती है कि भाई ये हमारी रैम ये सपोर्ट नहीं कर रहा, उसकी भी बीप आती है। मदरबोर्ड की भी प्रॉब्लम होती है। तो इस प्रकार ये बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। और हाँ, यदि हम इस ऑल इन वन मशीन के बारे में बात करें कि ये कैसी मशीन है, तो ये ग्राफिक वगैरह के काम में बहुत अच्छी यूज होती है। जो इसकी क्वालिटी होती है, डिस्प्ले की जो क्वालिटी होती है बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है। और इनको हम ग्राफिक के काम में ज़्यादा यूज करते हैं, डिजाइनिंग वगैरह में ये ज़्यादा यूज होती है। और आपको पता ही एप्पल है तो प्रोसेसिंग वगैरह तो बड़ी फास्ट होती है, विद SSD होती है, M.2 का भी ऑप्शन होता है, इसमें M.2 भी लग सकती है। तो इस प्रकार कई चीज़ों की खूबियाँ होती हैं इस मशीन में, उसी को हम आपको दिखा रहे हैं। अब हम आते हैं इसकी प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम जो है इसमें हमने आपको बताया है बीप की ये प्रॉब्लम है। तो हम देखते हैं खोल के कि हमारी रैम की प्रॉब्लम है या फिर मदरबोर्ड की प्रॉब्लम है। इसकी रैम खोलते हैं तो रैम कहाँ से खोलती है, इसके पीछे एक कवर होता है, इस कवर पे हमारा ये लॉक होता है। इस लॉक को हम प्रेस करते हैं तो हमारा ये ढक्कन बाहर आ जाता है जहाँ पे रैम लगी होती है। ये हमारी रैम है, आपको दिख रहा होगा, हम इसको स्टैंड को हटा नहीं सकते, यहाँ से ही हम इसको दिखाएंगे आपको। ये हमारी रैम लगी होती है, ये रैम हम एक एक करके हटा लेते हैं। ये इसमें चार रैम लगी हुई है, कितने जीबी की लगी हुई है ये हम आपको बता दें। 4 GB 1 4 GB 2 4 GB 3 4 GB 4। तो इसमें 16 GB रैम लगी हुई है। हम एक रैम साफ से लगा के देखते हैं कि हमारे रैम में प्रॉब्लम है। जब हम सिंगल रैम लगाएंगे तो देखते हैं कि एक बार मे बी रैम का ही इशू हो। तो ये रैम हमने पैक सेट कर दिया, तो हम मशीन को ऑन करके देखते हैं कि रैम का इशू है या फिर भी हमारा सेम ही इशू आ रहा है। ये आप देखोगे अभी भी हमारा सेम इशू आ रहा है, बीप ही कर रही है मशीन। तो एक दूसरी रैम और लगा के देखेंगे, दो रैम तो खराब हो नहीं सकती, शायद हमारी एक रैम में प्रॉब्लम हो। तो हम ये रैम निकाल के भी एक बार दूसरी रैम और लगा के देख लेते हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं। दूसरी रैम लगा के एक बार चेक करते हैं। ये हमारा अभी भी बीप आ रहा है, तो इसके मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है। वही हम देखते हैं खोल के कि हम इसके मदरबोर्ड को कैसे रिपेयर कर सकते हैं, क्या हम इसमें रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी सारी रैम लगा देते हैं। तो इसको खोलने के लिए हमें, आप देखोगे इस पर ये ग्लास होता है, इसको बहुत ही प्यार से खोलना पड़ता है, बहुत ही ध्यान से खोलना पड़ता है। जरा भी ऊक चूक हुई आपकी, आपका ग्लास ब्रेक हो जाएगा। उसी को ध्यान में रखते हुए हम क्या होता है, कोई पतली टीप या कोई ब्लेड टाइप लेते हैं और इसको ऐसे हर तरफ से प्रेस करते जाते हैं। टेपिंग होता है इसमें, पूरे टेपिंग को खोलने के लिए हमें बहुत ही ध्यान से करना होता है। कोई भी ब्लेड वगैरह हम यूज करते हैं, पतली चीज देके जो टेपिंग होती है उसको हमें काटना होता है, जो टेप लगी होती है इस पे। हम हर तरह के लैपटॉप के मदरबोर्ड रिपेयर करते हैं। अगर आपके लैपटॉप के मदरबोर्ड में भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आई है और वह रिपेयर नहीं हो रहा है तो आप उसे हमें दिखा सकते हैं। हम हर तरह के लैपटॉप के मदरबोर्ड रिपेयर करते हैं। ये पूरी टेपिंग होती है इस पे, बहुत ही ध्यान से खोलना होता है। जरा सा भी उकचूक हुआ, हमारा थोड़ा प्रेशर इधर उधर हुआ,
तो ये मशीन का स्क्रीन में प्रॉब्लम आने के चांस होते हैं। ये आप देखोगे हमने इसको बहुत ही ध्यान से चारों तरफ का इसका टेपिंग हो रखा है इसका। ये इसका ग्लास पूरी स्क्रीन के साथ बाहर आ गया है।